चुके हैं एक और प्रोडक्ट के रिव्यू को लेके, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में भी, और आप लोगों ने भी बहुत सारे कमेंट्स किए, इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज आए कि भैया एज इट इज़ का वे प्रोटीन क्या है, आप उसके बारे में एक जेन्युइन रिव्यू दो ज़रा। तो आज मैं बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू, जो इसकी सच्चाई वो देने वाला हूँ। ये मेरा सेकेंड पैक है, एक पैक मैंने आधा किलो वाला मंगाया था और वो मैं फिनिश कर चुका हूँ, तब जाके मैं इसका रिव्यू आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली जो इसकी हम बात करेंगे यार, वो है एज इट इज़। एज इट इज़ का मतलब क्या है कि जैसा आपको मतलब वहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ वैसा ही आपके घर तक पहुँच रहा है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई फ्लेवर नहीं ऐड है, अनफ्लेवर्ड है पूरी तरीके से, और एकदम रॉ है ये। रॉ का मतलब यार ये है कि जिस फॉर्म में आपको बना उसी फॉर्म में मिला, और ये है कि हमारे पास ये है वे प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेट, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा इसमें, मैं ये आपको बताता हूँ। आपको मतलब एक प्योर चीज़ मिल रही है, जो मैन्युफैक्चर हो रही डायरेक्ट वो आपके पास तक पहुंच रही है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ ऐड नहीं है। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि डुप्लीकेसी से बच जाते हैं हम लोग किसी भी ऐसी चीज़ से बच जाते हैं जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और 1500 की रेंज में एक किलो वे प्रोटीन हमें रॉ है भले, क्योंकि यार देखो इस प्राइस रेंज में आपको रॉ ही मिलेगा, लेकिन इस प्राइस रेंज में भी आपको प्रोडक्ट अच्छा मिला है उसकी चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन एज इट इज़ ने वो करके दिखाया, ठीक है। तो ये बायस रिव्यू नहीं है बिल्कुल भी, ये आपको सिर्फ जेन्युइन रिव्यू देने के लिए है। जो मैंने फील किया वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब बात कर देते हैं इसकी कुछ क्वालिटीज़ की। तो इसमें जैसा कि कंपनी बोलती है, ठीक है, कि एक स्कूप इसका कितने ग्राम का है, 30 ग्राम का है एक स्कूप, और एक स्कूप में आपको मिल रहा है 24 ग्राम प्रोटीन। मतलब आप समझ सकते हो कि एक स्कूप, आपको मैं स्कूप दिखा देता हूँ इसका, ये है स्कूप, और एक स्कूप में आपको मिल रहा है 24 ग्राम प्रोटीन, ठीक है, 24 ग्राम प्रोटीन, और उसके साथ आपको मिल रही 120 कैलोरीज। तो काफ़ी अच्छा अमाउंट है यार, 24 ग्राम प्रोटीन आपको मान लो आपकी डाइट से आपका पूरा हो रहा है, लेकिन आपको कुछ 20-25 ग्राम प्रोटीन आपको बच रहा है कि कहीं से करना है, और आपके पास उतना बजट नहीं है, तो आप 1500 की रेंज में ये लेके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़, इसमें जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं आपके, ये देख सकते हो, ल्यूसीन, आइसोलेसिन, वैलिन, थायरोनिन, मेथोनिन, तो जितने भी एसेंशियल नॉन एसेंशियल जितने भी अमाइनो एसिड हैं, अमाइनो एसिड सारे आपको इसमें मिल जाते हैं, ठीक है। और शुगर का कंटेंट भी बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि आप जानते हो रॉ है तो शुगर का कंटेंट तो होना कोई मतलब ही नहीं बनता है। और दूसरी बात, ये 2019 में यार इसीलिए टॉप ब्रांड पे गया था, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपनी प्राइस रेंज को कम रखा, इन्होंने अपनी प्राइस रेंज को कम करके क्वालिटी को बढ़ा दिया, ठीक है, क्वालिटी को बढ़ा दिया। और जब लोगों ने यूज़ किया तो वाकई में इसके रिजल्ट समझ में आए, और मैंने भी यूज़ किया तो जेन्युइन बता रहा हूँ, कुछ बहुत तो आपने बॉडी में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट तो देखा ही होगा, ये सब बहुत अच्छी तरीके से आया इसमें। तो वो लोग जो लोग जैसे कि आपको मान लो कुछ अपना वेट गेन करना है, वेट गेन का मतलब अब मैं आपको बताता हूँ, वेट गेन हेल्दी तरीके से, ठीक है। तो हेल्दी तरीके से मतलब ये होता है कि आप अपने प्रोटीन कंटेंट को, कार्ब्स को आप अपने बढ़ा दो, तो वो लोग अपनी डाइट में एक स्कूप वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब जिनका ये है कि भैया कुछ भी इसमें नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें जब कॉन्सेंट्रेट होता है तो उसमें फैट्स भी होते हैं, कैलरीज भी होती हैं, काफ़ी सब कुछ होता है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग स्विच कर सकते हो आइसोलेट में, उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, प्योर मिलेगा, प्योर ये भी है लेकिन उसमें क्या है, ऐड है सब, फैट्स भी है, कैलरीज भी है, और उसमें कुछ भी नहीं होगा, बट उसके रेट थोड़ा सा हाई हो जाएंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि अगर आप कोई अच्छा प्रोटीन तलाश रहे हो कम प्राइस रेंज में, तो आप बिल्कुल एज इट इज़ की तरफ जा सकते हो, क्योंकि ये वाकई में ट्रस्टेड ब्रांड है, और मैंने सिर्फ वीडियोज़ देख के ट्रस्ट करने पर भरोसा ट्रस्ट नहीं किया, मैंने जब खुद इसको यूज़ किया, खुद अपनी डाइट में इसको ऐड किया, एक स्कूप एक्सरसाइज के बाद एक स्कूप डेली मैंने ऐड किया, तो वाकई में इसके जेन्युइन रिजल्ट्स मिले। तो आप अगर लेना चाहते हो तो बिल्कुल आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, मेन जो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, ये डाइजेस्ट आराम से हो जाता है, क्योंकि बहुत से रॉ प्रोटीन ऐसे देखे हैं मैंने जो कि डाइजेस्ट नहीं होते, ब्लोटिंग होता है उनसे, मतलब आप जब पी लेते हो तो बहुत टाइम तक उनको मतलब डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं आपकी बॉडी पे, और जल्दी नहीं हो पाते हैं, प्योर फॉर्म में नहीं आ पाते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें वो चीज़ें नहीं है, इसमें जब आप इसको पीते हो तो 5-10 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन आराम से डाइजेस्ट हो जाता है और आपको ब्लोटिंग जैसा कुछ फील नहीं होता है। आप इसको आप टेस्टी बनाने के लिए इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो, अपना ग्लूकोन डी का आधा चम्मच ऐड कर सकते हो, लेकिन एक बात बताऊँ कि किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है इसमें मिलाने की, इसका टेस्ट इतना मतलब प्योर है तो क्लियर है, जब उसमें कुछ ऐड नहीं है तो आपको उसी फॉर्म में मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि उसमें कोई टेस्ट तो होना नहीं है। तो फिर भी इतना बेस्वाद नहीं लगता है जितने दूसरे जो रॉ प्रोटीन है वो बेस्वाद लगते हैं, तो आप इसको बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, मेरी तरफ से थम्स अप है। इसका बाइंग लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप अगर ख़रीदना चाहते हो, इच्छुक हो, तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, मेरी तरफ से बिल्कुल हाँ है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिव्यू में और भी अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।